सकते हो, लाइनर इक्वेशन बेटा सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, तो इसे करने का तरीका देखो कैसे होता है। तो इसमें डिवाइड दे रखा बीच में, जब दो फ्रैक्शनों के बीच में डिवाइड दे रखा तो ये आसानी से नहीं हम कर पाते। तो इसे पहले, सबसे पहले ये जो डिवाइड है हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी नहीं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो करते क्या है, यहाँ पे यो ही इस वाली टर्म को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर नीचे, ऊपर वाली को नीचे ले आते हैं। एक्स प्लस थ्री ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन, सही है वन। अब हम देखेंगे क्या बच्चे, इसमें हमारा कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पे तो कोई फॉर्मूला नहीं, तो इसका देखो यहाँ पे, यहाँ का हमारा फॉर्मूला बन रहा है एक्स क्यूब माइनस, अगर यहाँ वन पे हम क्यूब कर दे तो वन क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारा फॉर्मूला लग रहा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला खोल देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री ऐसी अपॉन, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन, सही है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, सही है ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो। अब देखो जो कट रहा हो उसे काट देते हैं बच्चे। अब ये देखो इससे जो कट गया हमारा, सही है इससे ये कट गया, बचा क्या ऊपर, ऊपर बचा बेटा हमारा एक्स प्लस थ्री, सही है, और नीचे क्या क्या बचा हमारा x प्लस वन और x माइनस वन, सही है। तो x प्लस थ्री को ऊपर ऐसे लिख दिया अपॉन, यहाँ फॉर्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर का, सही है। तो x स्क्वायर माइनस वन, सही है, यहीं पर आंसर है।